हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैश निहार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे YouTube चैनल्स के बारे में जिनका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स का थ्रेशोल्ड अचीव नहीं हुआ है और उनकी वीडियोस पर एड्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये अचीव नहीं होने के बाद भी उनकी वीडियोस पर एड्स आ रही है, तो ऐसे में उन पर उस एड्स पर आने वाले पैसे को किसके अकाउंट में भेजा जाएगा, वो पैसे किसके अकाउंट में जाएंगे। अभी तो आपका गूगल एडसेंस यूट्यूब से लिंक ही नहीं हुआ है, तो उस ऐड के पैसे कहाँ जाएंगे, जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये एड्स आती हैं, कैसे आप इन एड्स को ला सकते हैं और कैसे इसका रेवेन्यू आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे YouTube चैनल्स हैं जिनकी वीडियोस पर एड्स आ रहे हैं और एड्स आ रहे हैं तो उसका रेवेन्यू तो जनरेट हो ही रहा होगा, तो वो रेवेन्यू कहाँ जाएगा, कैसे मिलेगा, किसके अकाउंट में जाएगा। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, ये जो एड्स आ रही है ये आ रही है कॉपीराइट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, वो YouTube चैनल्स जिन्होंने किसी दूसरे का कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है, जिन्होंने किसी दूसरे का म्यूजिक डाला है या किसी दूसरे का वीडियो उठा करके डाली है या उसका कोई पार्ट डाला है, तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, YouTube जैसे ही किसी रजिस्टर्ड बंदे का अगर आप कंटेंट इस्तेमाल करते हो तो YouTube उसका सीधा सीधा मेल भेजता है कि आपका ये कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है इस चैनल पर, तो क्या आप कुछ एक्शन लेना चाहोगे। ऐसे में दोस्तों, उसका जो जेन्युइन ऑनर है, उसका जो जेन्युइन डेवलपर है उस कंटेंट का, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है और कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता है। दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक सीधा सीधा आपके चैनल पर एक स्ट्राइक होती है और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम ये होता है कि आप उस वीडियो को अपने चैनल पर डले रहने दीजिए अगर आप डले रहने देना चाहते हैं तो, बट उसमें क्या होगा, उस पर जो भी एड्स आएंगी या जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसके ओरिजिनल डेवलपर के पास जाएगा, उस कॉन्टेंट के ओरिजिनल जनरेटर के पास जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, भले आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं है, बट अगर उस कंटेंट के डेवलपर के पास 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट है, तो भले ही उसकी वीडियो आपके चैनल पर डली हुई हो, उस पर एड्स आएंगी, उस पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उसका ओरिजिनल ऑनर जो है वो आपको कॉपीराइट क्लेम देगा और आपकी वीडियो पर जो भी एड्स आ रही होंगी उसका रेवेन्यू उसके पास जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही फर्क है कि एक 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ऐड आने पे और 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स अगर कंप्लीट नहीं होने के पहले, मींस कंप्लीट होने के पहले एड्स आने पे यही फर्क है अगर आपके चैनल्स पर एड्स आ रही है तो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।